हाय बडीज, करंटली ना हम लोग बारसी में है। अगर आपने मेरी इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया होगी। और आज हम लोग बारसी में भेल ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ना हमारे नेबर ने नानू ने स्कूल से आते टाइम पे हमारे लिए बहुत स्वीटली एक जगह की भेल लाई है। और है ना, ये जो प्लेस है ये प्रॉपर बारसी में नहीं है, आउटसाइड बारसी है। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी प्लेस का, ये जो गांव का नाम है वो, और जहां पे ये भेल मिलती है उस प्लेस का नाम भी मैंने स्क्रीन पे अभी लिख दिया है। तो ना ये भेल मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना के फटाफट आपको मेरा रिव्यू बता देती हूँ। लास्ट टाइम मैं बारसी में आई थी ना, तभी भी मैंने एक भेल के ऊपर वीडियो बनाई थी जो आप सभी को बहुत अच्छी लगी वीडियो, और थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल भी हो गई वो वीडियो। मैं आगे बताती हूँ उसका रीजन। बट हाँ, वो वीडियो जो है उसमें मैंने ये वाली भेल ऑब्वियसली ट्राई नहीं की हुई है, तो मैं आपको अभी यहाँ पे टेस्ट करके बताती हूँ कि उनमें से किसी भेल की तरह ये सिमिलर टेस्ट करती है या ये इंटायरली डिफरेंट टेस्ट करती है। तो अभी हम देखते हैं फटाफट से इस भेल का रिव्यू। तो ये मेरे हाथ में जो भेल है ना, ये 60 रुपीज की भेल आई है, इतनी सारी। और ये गीली भेल है, सूखी भेल नहीं है, गीली वाली भेल है ये, ओली भेल। मुझे ओली भेल ही ज्यादा पसंद है, तो ये आई। चलो फटाफट से अभी खोलते हैं, मैं अनबॉक्सिंग करते बोलने वाली थी। फटाफट से इसे अभी खोलते हैं, चलो चांगला है? तो ये सारा भेल का मटेरियल है। ये चिवड़ा है मेन इंग्रेडिएंट भेल का, और ये बारीक सेव, ये इमली का पानी, और ये प्याज टमाटर, और ना इसके साथ ये भी था, हरभरा भी था, काला चना था बॉईल किया हुआ, पर है ना वो अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि एक्चुअली मैं ये शॉट दोबारा ले मुझे लेना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था शॉट, और मुझे लगा रिकॉर्ड हुआ है तो हमने भेल वगैरह हम लोग ने खा ली। और ये अभी थोड़ी सी बची हुई भेल है जो मैं कल खाऊंगी। बट वो जो हरभरा था ना वो तो खत्म हो चुका है। काला चना आपने मेरी पिछली वाली भेल की वीडियो में आपने देखा रहेगा, वो इस तरह से यहाँ पे दिया जाता है बारसी साइड में भेल के साथ, तो वो तो मैंडेटरी होता है, वो होता ही है हर भेल के साथ। तो वो तो मेरा शॉर्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ ना, तो इसलिए मैं ये दोबारा अभी शॉर्ट ले रही हूँ। अभी वीडियो एडिट करते टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि वो शॉर्ट तो हुआ ही नहीं रिकॉर्ड। तो मैंने भेल अभी ले ली है, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि टेस्ट में कैसी है और किसकी तरह है, ठीक है? लेट्स ट्राई इट आउट। स्वाद में ये बहुत अच्छी है भेल, स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, मीठी लग रही है मुझे। जो इमली का पानी है वो मीठा है, इमली और गुड़ का जो पानी है ना वो मीठा है, जिसकी वजह से भेल मीठी लग रही है, बट टेस्ट में बहुत अच्छी है, ठीक है? तो आई वुड से कि ट्राई कर सकते हो आप। कौन सा गांव? तुलजा, तुलजा भवानी गांव बोल रही हूँ मैं कभी से, होटल तुलजा भवानी शेलगांव में, ठीक है? ये वाली जो भेल है ना, ये खाते से ही मीठी लगती है, और आफ्टर टेस्ट इसकी जो है वो स्पाइसी है, तीखी है, और मुझे ऐसे ही तीखा मीठा खट्टा ऐसे मिक्स फ्लेवर्स का फूड बहुत अच्छा लगता है। चटपटा फ्लेवर है, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए ये टेस्ट। नैनू आपको इस वीडियो में नहीं दिख रही है, क्योंकि वो अभी अभी स्कूल से थकी हारी आई है, यूनिफॉर्म में ही आई है वो, तो उसने मुझे बोला कि आज उसे नहीं दिखना है वीडियो में, पर वो आपको मेरे भेल वाले वीडियो में दिख जाएगी, लाड़ाची कुल्फी वाले वीडियो में भी दिख जाएगी, और भी कोई वीडियो में है, कौन-कौन वीडियो में है तू अजून? वड़ा पाव बैटल वाले वीडियो में है, बहुत मस्त वीडियो है वो, जरूर देखना। और मैं क्या बोल रही थी, ये जो प्लेस है ना जहाँ पे ये वाली भेल मिलती है, वहां पे आपको रगड़ा पैटिस, मिसल, और क्या थी तीसरी चीज, वड़ा पाव ही बोल रही हूँ मैं बार बार, वड़ा पाव भी मिलता है। तो आप जरूर चेकआउट करना, और है ना बहुत रीजनेबल रेट्स में, अभी आपने देखा ना 60 रुपीज में कितनी सारी भेल आई, तो बहुत ही रीजनेबल रेट्स है इनके। और जो मसाला है ना सारी चीजों में, मिसल में जो मसाला यूज करते हैं वो लोग, भेल में जो मसाला यूज करते हैं ना, वो कोल्हापुरी मसाला है जो वो घर पे बनाते हैं। तो नानू की फ्रेंड की ही ये प्लेस है, ये जो होटल है ना वो नानू के फ्रेंड का ही है, ये बात मुझे अभी जस्ट उससे पता चल रही है, तो मैंने बोला बहुत अच्छा हो गया ये कि वीडियो में उनका थोड़ा सा प्रमोशन भी हो गया अनइंटेंशनली। तो जरूर ट्राई करना अगर आप बारसी में या बारसी के आसपास रहते हो, तो डू ट्राई होटल तुलजा भवानी। मेरे को ना मेमोरी लॉस, गजनी बनते जा रही हूँ मैं।
और हाँ, ये वाली भेल की टेस्ट मुझे पहले जो मैंने भेल ट्राई की हुई है ना बार्शी में, उनमें से किसी की तरह भी नहीं लगी, ये एकदम डिफरेंट लगी। बट नैनू बोल रही थी कि उसे पवार भेल की तरह इसकी टेस्ट लगी, पवार भेल की जो ओली भेल रहती है ना, गीली वाली भेल, उसकी तरह उसे ये लगी, बट मुझे तो नहीं लगी। और मैं वो बोल रही थी ना कि मेरी पिछली भेल वाली वीडियो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल सी हुई है, उसका रीजन यही है कि मैंने उस वीडियो में बोला था कि मुझे पवार भेल पसंद नहीं है, और वो वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे पता चला, पहले मुझे पता था कि फेमस भेल है वो, बट वीडियो अपलोड करने के बाद मुझे एग्जैक्टली पता चला कि कितनी फेमस है, कितना फैन बेस है उस भेल का, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे वगैरह मैसेजेस आने लगे कि पवार भेल अगर तुझे पसंद नहीं है तूने क्यों दिखाई वीडियो में वगैरह। तो वही फेमस है पता था इसलिए मैंने दिखाई, और मुझे पसंद नहीं है, यह सिर्फ मेरा ओपिनियन है। अभी उसका इतना बड़ा फैन बेस है तो अच्छी ही रहेगी, कुछ बात तो रहेगी उस भेल में ना डेफिनेटली, तो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने बस मेरा ओपिनियन बताया था, बाकी तो कुछ नहीं। और फेमस है इसलिए दिखाना भी मैंडेटरी था, और इसलिए मैं गई थी वहां पे, वो भेल लेके आई थी, बाकी तो कुछ नहीं। मुझे मेरा जो ऑनेस्ट ओपिनियन है ना, वही आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है। बस किसी भी चीज के बारे में अच्छा अच्छा बोलते रहना और जो अच्छा नहीं लगा वो छुपा के रखना, ऐसा मुझे करना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने जो भी है मैंने आपको बताया। हालांकि पवार भेल के ना पानी पूरी मुझे अच्छी लगी, लास्ट टाइम मैं गई थी ना तभी मैंने पानी पूरी खाई थी, वो मुझे अच्छी लगी थी। तो अगर आप जाते हो वहां पे तो पानी पूरी भी ट्राई करना, और हो सकता है भेल भी आपको अच्छी लग जाए तो वो भी ट्राई कर लेना, ठीक है। तो चलो अभी मैं ये भेल एंजॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि आई थिंक जल्दी आने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून। बाय बाय।